बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ सलमान सुल्तान और आप देख रहे हैं डेली स्वात टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में हर वक्त गरीब आवाम को लूटने के लिए कोई ना कोई गैर सरकारी स्कीम शुरू की जाती है, जिसमें अक्सर शॉर्टकट के जरिए करोड़पति लालची शहरी अपनी सब कुछ खो जाते हैं। इन स्कीमों में अक्सर पहले कस्टमर को फायदा मिलता है, लेकिन आखिर में इन्वेस्टमेंट करने वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। 2007 में डबल शास के अंदर 2 सालों में आवाम को दोनों हाथों से लूटा और अरबों कमाकर रबू चक्कर हो गया। कुछ अरसा जेल में गुजार कर रिहाई मिली और आवाम के पैसे दरिया बर्द हो गए। फिर इसके बाद मजारबाद स्कीम का चर्चा होने लगा और मलेशिया में ऑनलाइन कारोबार के धोखे में ज्यादातर मजहबी तबके को अपने जाल में फंसा कर अरबों रुपये ले उड़े। उसके बाद आजकल पाकिस्तान में एक और स्कीम जीवन लहसन का चर्चा होने लगा है। ये स्कीम जनूबी पंजाब की शहरों मुल्तान की तरफ से शुरू हुई है और इसके पहले गाक महकमा ज़राअत से वाबस्ता अपराध है, जिसने करोड़ों कमाए हैं। इस स्कीम में आपको एक मखसूस लहसुन उगाने के लिए दी जाती है, जो एक कनाल में 50 किलो उगानी होगी और इसकी कीमत पी कनाल 2,50,000 है। फिर वो एक कनाल 15 लाख तक वो वापस खरीदते हैं। जब किसी जगह कोई एक बंदा एक कनाल पर 15 लाख कमाते हैं, तो वहाँ 50 बंदे और उस हीरे जैसे फसल की उगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके लिए और 50 मन बीज की ज़रूरत होती है। इस तरह ये ज़रूरत रोज़ बरोज बढ़ रही है। अगर आप किसी ज़मींदार से पूछें कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, तो वो कहेंगे कि पता नहीं, किसी दवाई में इस्तेमाल होगी। लेकिन वो कारोबारी ऐसे वापस लेते हैं। फिर एक वक्त आएगा कि हर खेत में जीवन लहसुन होगा और कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बारे में आवाम को आगाह करें कि अगर ये फायदेमंद है तो उसे उगाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई करें, और अगर ये एक और डबल शाह या मजारबद स्कैम बनते जा रहे हैं तो इसका तदराक करें। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात हासिल हो चुकी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये पैगाम हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए किसी और ऐसी वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।